टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। दरअसल फगवाड़ा से 3 बार विधायक रहे जोगिंदर सिंह मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जोगिंदर सिंह मान अनुसूचित जाति समुदाय के नेता माने जाने वाले हैं और पिछले लंबे समय से पोस्ट मैट्रिक एसीसी स्कॉलरशिप घोटाले में कोई कार्रवाई न होने से नाराज थे। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस के हालात पर सवाल उठाते हुए पार्टी से 50 साल पुराना नाता तोड़ दिया था। जोगिंदर सिंह मान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय बूटा सिंह के भांजे हैं। 3 बार विधायक रहे मान 2002 से 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मान ने बेअंत सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया था। इतना ही नहीं, वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही अपना जीवन निकालने की बातें करते थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि वो मरने के बाद कांग्रेस के झंडे में लिपट कर जाना चाहते हैं। स्कॉलरशिप घोटाले पर कार्रवाई ना होने के अलावा वो फगवाड़ा को अलग जिला घोषित करवाने की मांग भी कर चुके थे। वो आरक्षित हल्का फगवाड़ा से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट ना मिलने की संभावना से नाराज मान ने पार्टी छोड़ दी। दलित नेता जोगिंदर सिंह मान ने कहा कि दलितों के बच्चों के हितों की रक्षा करने में सरकार फेल रही है, दलित समाज के साथ ये धोखा है। स्कॉलरशिप स्कीम के आरोपियों को पार्टी में पनाह देने के कारण उनका जमीर अब पार्टी में रहने की उन्हें इजाजत नहीं देता। वहीं जोगिंदर सिंह मान के शामिल होने पर आम आदमी पार्टी खुश नजर आ रही है। आप नेताओं का मानना है कि इससे पंजाब में पार्टी को मजबूती मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।